के हाथ हवा में लहराते हुए आप सभी के भीतर उमंग और उल्लास को व्यक्त करते हुए एक साथ आप लोग लिखे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बेहद खूबसूरत नजारा है और इस खूबसूरत नजारे में हमें इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि दशहरे के ठीक 20 दिनों के बाद जब दीपावली का पर्व होगा, ये दीपावली का पर्व हम सब लोगों के जीवन में प्रकाश लेकर के आएगा, उस अंधकार को दूर करेगा। धीरे धीरे हम सभी इस उत्सव के सहभागी और साक्षी बन रहे हैं। मनीष सरानी उत्सव खत्री राम लक्ष्मण दशहरा कमेटी धर्म कुमारी जी के सौजन्य से आजादी के अमृत महोत्सव भूमिका को निभा रहे हैं। गोपाल देवड़ा जो कि नारद मुनि पैदल चल रहे हैं, मोहित कहोलिया जो कि हनुमान के रूप में इस पात्र को जीवंत कर रहे हैं, और आप देखें मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर ये शानदार झांकी जहां पर रावण और कुंभकर्ण अट्टहास करते हुए आपके सामने आ रहे हैं। आहा सीता मेरी है, सीता मेरी है, ये दंभी अभिमान ये अहंकार और शक्ति स्वरूप माँ का जब हरण रावण ने किया तभी उसने अपने अंत की इबारत को लिख दिया था। ये वनवासी देश में राम और लक्ष्मण तालियां बजाकर आप सभी का अभिवादन करेंगे। तमाम पात्र जो आपके सामने बेहद जीवंत और शानदार पात्रों के रूप में आपके सामने हैं, और यहाँ पर ये रावण का दंभ और अट्टहास देखिए, सीता मेरी है, ये बार बार उद्घोष करना उसके दंभ उसकी ताकत का परिचय है। और यहाँ पर एक बात बता दें कि जी हाँ, अहंकार दंभ इस चक्कर में अक्सर हम देखते रहे हैं कंस रावण कौरव कितने दुर्दांत शक्तिशाली थे, लेकिन उनका भी अंत हुआ। वक्त के साथ में बहुत सारी चीजें बह जाती है, खत्म हो जाती है, और इसीलिए कहते हैं कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है और समय की उस ताकत को पहचानने वाले लोग